दोस्तों वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के पहले दो रोमांचक सीजन के बाद अब तीसरे धमाकेदार सीजन के लिए तैयार हो जाइए, जहां पे आईसीसी ने वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की तीसरी साइकिल यानी WTC 2023-25 का पूरा कंफर्म शेड्यूल, डेट, टाइम, वेन्यू सब कुछ जारी कर दिया है। दोस्तों इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, पाकिस्तान की इतनी इतनी खतरनाक सीरीज शेड्यूल की गई है कि इस बार WTC और भी ज्यादा रोमांचक साबित होने वाला है। तो दोस्तों इस वीडियो में हम आपको WTC की तीसरी साइकिल 2023-25 का पूरा कंफर्म शेड्यूल, डेट, टाइम, वेन्यू, टीम्स, मैचेस, पूरा फिक्चर बताने वाले हैं। तो मुझे पता है आप जरा भी इंतजार करने के मूड में नहीं होंगे और हम भी आपको बिल्कुल इंतजार नहीं करवाएंगे। बस आप अपना सपोर्ट दिखाते हुए वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। क्रिकेट से जुड़ी ऐसे ही वीडियोस आपको यहां पर मिलती रहेगी। तो चलिए दोस्तों फटाफट से बढ़ते हैं वीडियो में आगे। तो दोस्तों वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के तीसरे सीजन की शुरुआत 16 जून 2023 को इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच 5 मैचों की रोमांचक टेस्ट सीरीज द एशेज सीरीज के साथ होगी, जो कि WTC की तीसरी साइकिल में टीम इंडिया अपने अभियान की शुरुआत वेस्टइंडीज के खिलाफ 2 मैचों की टेस्ट सीरीज के साथ करेगी। WTC की इस साइकिल में कुल 27 टेस्ट सीरीज शेड्यूल की गई है, जिसमें 2 साल की विंडो में कुल 68 टेस्ट मैच खेले जाएंगे। पिछले सीजन के मुताबिक 2 कम, पिछले सीजन फाइनल सहित 70 मैच खेले गए थे। अब दोस्तों हम सबसे पहले टीम्स की बात करें तो टूर्नामेंट में ये कुल 9 टीमें हिस्सा लेगी, जो कि आप देख सकते हैं इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, श्रीलंका, साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड, पाकिस्तान, न्यूजीलैंड, वेस्टइंडीज और बांग्लादेश। फॉर्मेट की बात करें तो WTC कोई राउंड रॉबिन फॉर्मेट में नहीं खेला जाएगा, इसमें लीग स्टेज और फिर सीधा फाइनल खेला जाएगा। लीग स्टेज के दौरान टूर्नामेंट में हिस्सा लेने वाली सभी 9 टीमों में से प्रत्येक टीम बाकी की 8 टीमों में से 6 टीम के खिलाफ 6 टेस्ट सीरीज खेलेगी, जिसमें 3 होम और 3 अवे सीरीज होगी। हर सीरीज में कम से कम 2 और ज्यादा से ज्यादा 5 टेस्ट मैच होंगे। अब दोस्तों हम मैचों की बात करें कि आखिर WTC में सभी टीम कितने कितने मैच खेलेगी। तो WTC 2023-25 में इंग्लैंड की टीम सबसे ज्यादा 21 मैच खेलेगी, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया की टीम 19 टेस्ट मैच खेलेगी, इंडिया की टीम 19 टेस्ट मैच खेलेगी, न्यूजीलैंड और पाकिस्तान की टीम 14-14 मैच खेलेगी, वेस्टइंडीज की टीम 13 मैच खेलेगी, साउथ अफ्रीका, श्रीलंका और बांग्लादेश की टीम 12-12 टेस्ट मैच खेलेगी। फाइनली अब दोस्तों हम पूरे शेड्यूल पर नजर डालें कि आखिर WTC 2023-25 के दौरान किन किन टीमों के बीच कितने मैच खेले जाएंगे, किन टीमों के बीच मैच नहीं खेले जाने हैं, उसके बाद हम टीम इंडिया के डिटेल फिक्स्चर की बात भी करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, फटाफट से ज्वाइन कर लीजिएगा। WTC शेड्यूल से रिलेटेड पूरी डिटेल जो कि हम यहाँ पर नहीं बता सकते हैं क्योंकि फिर वीडियो काफी लंबी और बोरिंग बन जाएगी, वो सब कुछ हम हमारे टेलीग्राम चैनल पर डाल देंगे। टेलीग्राम चैनल पर क्रिकेट से जुड़ी और भी खबरें आपको मिलती रहेगी, तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन जरूर से कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं सबसे पहले साउथ अफ्रीका के डिटेल शेड्यूल की। तो साउथ अफ्रीका की 3 होम सीरीज आप देख सकते हैं, जहां पर भारत के खिलाफ 2 टेस्ट मैच, पाकिस्तान के खिलाफ 2 और श्रीलंका के खिलाफ 2 टेस्ट मैच साउथ अफ्रीका को घर में खेलने हैं। उनकी अवे सीरीज की बात करें तो बांग्लादेश के खिलाफ 2 टेस्ट मैच, न्यूजीलैंड के खिलाफ 2 और वेस्टइंडीज के खिलाफ 2 टेस्ट मैच साउथ अफ्रीका की टीम को घर के बाहर खेलने हैं। कुल 12 टेस्ट मैच WTC 2023-25 के दौरान साउथ अफ्रीका की टीम को खेलने हैं, जिसमें ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के खिलाफ कोई भी मैच नहीं है, तो ये साउथ अफ्रीका के लिए एडवांटेज साबित हो सकता है। उसके बाद दोस्तों हम आगे बढ़े वेस्टइंडीज की बात करें तो वेस्टइंडीज को घर में जो है बांग्लादेश के खिलाफ 2 टेस्ट मैच, भारत के खिलाफ 2 टेस्ट मैच और साउथ अफ्रीका के खिलाफ 2 टेस्ट मैच खेलने हैं। वहीं उनकी अवे सीरीज की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 2 टेस्ट मैच, इंग्लैंड के खिलाफ 3 और पाकिस्तान के खिलाफ 2 टेस्ट मैच घर के बाहर वेस्टइंडीज को खेलने हैं। कुल 13 टेस्ट मैच WTC 2023-25 के दौरान वेस्टइंडीज की टीम को खेलने हैं, जिसमें न्यूजीलैंड और श्रीलंका के खिलाफ कोई भी मैच नहीं है। वहीं दोस्तों न्यूजीलैंड की बात करें तो न्यूजीलैंड के होम मैचों में 2 ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, 3 टेस्ट मैच इंग्लैंड के खिलाफ और 2 साउथ अफ्रीका के खिलाफ है। वहीं अवे मैचों की बात करें तो 2 बांग्लादेश के खिलाफ, 3 भारत के खिलाफ और 2 टेस्ट मैच श्रीलंका के खिलाफ है। कुल 14 टेस्ट मैच न्यूजीलैंड की टीम को खेलने हैं, जिसमें उन्हें पाकिस्तान और वेस्टइंडीज का सामना नहीं करना है। उसके बाद दोस्तों बात करें हम बांग्लादेश की, तो बांग्लादेश की टीम के होम मैच आप देख सकते हैं, जहां पर 2 न्यूजीलैंड के खिलाफ, 2 साउथ अफ्रीका के खिलाफ और 2 श्रीलंका के खिलाफ उनके होम मैच है। वहीं अवे मैच की बात करें तो बांग्लादेश की टीम को 2 टेस्ट मैच भारत के खिलाफ, 2 पाकिस्तान के खिलाफ और 2 मैच वेस्टइंडीज के खिलाफ खेलने हैं। कुल 12 मैच खेलने हैं, जिसमें उन्हें ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड का सामना नहीं करना है। उसके बाद दोस्तों आगे बढ़े इंग्लैंड की बात करें तो इंग्लैंड की टीम को कुल 10 होम मैच खेलने हैं, जिसमें 5 मैचों की द एशेज सीरीज ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, 2 मैचों की सीरीज श्रीलंका के खिलाफ और 3 मैचों की सीरीज वेस्टइंडीज के खिलाफ, 11 अवे मैच इंग्लैंड की टीम को खेलने हैं, जिसमें 5 मैचों की सीरीज भारत के खिलाफ होगी, 3 मैच न्यूजीलैंड के खिलाफ और 3 मैच पाकिस्तान के खिलाफ होंगे। कुल 21 मैच इंग्लैंड की टीम को खेलने हैं, जिसमें बांग्लादेश और साउथ अफ्रीका के खिलाफ कोई भी मैच नहीं होगा। उसके बाद हम ऑस्ट्रेलिया की बात करें, ऑस्ट्रेलिया की टीम को भी 10 होम मैच खेलने हैं, 5 भारत के खिलाफ, 3 पाकिस्तान के खिलाफ और 2 वेस्टइंडीज के खिलाफ। अवे मैच उनके 9 होंगे, जो कि 5 इंग्लैंड के खिलाफ, 2 न्यूजीलैंड के खिलाफ और 2 श्रीलंका के खिलाफ। कुल 19 मैच यहां पर जो है ऑस्ट्रेलिया की टीम को खेलने हैं, जिसमें बांग्लादेश और साउथ अफ्रीका के खिलाफ कोई मैच उनके नहीं होंगे। दोस्तों बात करें श्रीलंका की, तो श्रीलंका की टीम को ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और पाकिस्तान के खिलाफ 2-2 होम मैच खेलने हैं और बांग्लादेश, इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका के खिलाफ 2-2 अवे मैच खेलने
खेलने हैं। कुल 12 मैच श्रीलंका की टीम को WTC 2023-25 के दौरान खेलने हैं, जिसमें उन्हें इंडिया और वेस्ट इंडीज का सामना नहीं करना है। दोस्तों बात करें टीम इंडिया की, तो टीम इंडिया को कुल 10 होम मैच खेलने हैं, जिसमें 2 मैचों के लिए बांग्लादेश, 5 मैचों के लिए इंग्लैंड और 3 मैचों के लिए न्यूजीलैंड की टीम भारत का दौरा करेगी। 9 मैच टीम इंडिया को घर से बाहर खेलने हैं, जहां पर 5 मैचों की ऐतिहासिक बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, 2 मैचों की सीरीज साउथ अफ्रीका के खिलाफ और 2 मैचों की सीरीज वेस्ट इंडीज के खिलाफ टीम इंडिया को खेलनी है। कुल 19 मैच टीम इंडिया खेलेगी, जिसमें उन्हें पाकिस्तान और श्रीलंका का सामना नहीं करना है। उसके बाद हम बात करें पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान के होम मैच आप देख सकते हैं, जहां पर 2 मैच बांग्लादेश के खिलाफ, 3 इंग्लैंड के खिलाफ और 2 वेस्ट इंडीज के खिलाफ। उनके अवे मैच भी आप देख सकते हैं, जहां पर 3 ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, 2 साउथ अफ्रीका और 2 श्रीलंका के खिलाफ। कुल 14 टेस्ट मैच पाकिस्तान की टीम को खेलने हैं, जिसमें उन्हें इंडिया और न्यूजीलैंड का सामना नहीं करना है। तो दोस्तों कुछ इस तरीके से है WTC 2023-25 का पूरा शेड्यूल, जहां पर अब हम बात करें WTC 2023-25 में टीम इंडिया के फिक्स्चर की। तो टीम इंडिया को सबसे पहले वेस्ट इंडीज के खिलाफ 2 मैचों की अवे टेस्ट सीरीज खेलनी है, जो कि जुलाई अगस्त 2023 में खेली जाएगी। शेड्यूल बहुत ही जल्द जारी किया जाएगा, उस पर भी आपको डिटेल वीडियो मिल जाएगी। उसके बाद दूसरी सीरीज टीम इंडिया की साउथ अफ्रीका के खिलाफ 2 टेस्ट मैचों की अवे सीरीज होगी, फ्रीडम ट्रॉफी, जो कि दिसंबर 2023 से जनवरी 24 के बीच खेली जाएगी। उसके बाद तीसरी सीरीज टीम इंडिया की इंग्लैंड के खिलाफ होम सीरीज होगी। इंग्लैंड की टीम 5 मैचों की लंबी सीरीज के लिए भारत का दौरा करेगी, जो कि जनवरी फरवरी 2024 में खेली जाएगी। उसके बाद बांग्लादेश के खिलाफ 2 होम मैच टीम इंडिया को खेलने हैं, जो कि सितंबर अक्टूबर 2024 में खेले जाएंगे। न्यूजीलैंड के खिलाफ 3 मैचों की होम सीरीज टीम इंडिया को खेलनी है, जो कि न्यूजीलैंड की टीम अक्टूबर नवंबर 2024 में भारत का दौरा करेगी। और आखिरी सीरीज टीम इंडिया की ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ होगी। 5 मैचों की काफी लंबी यह बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी की सीरीज होगी, जो कि नवंबर के आखिरी सप्ताह से शुरू होकर दिसंबर के आखिरी सप्ताह या फिर जनवरी 2025 में समाप्त होगी। तो कुछ इस तरीके से फिक्स्चर टीम इंडिया का WTC में रहेगा। फाइनल की बात करें तो WTC 2023-25 का फाइनल लीग स्टेज के अंत में पॉइंट टेबल में टॉप 2 पर रहने वाली टीम के बीच जून 2025 में खेला जाएगा। फाइनल की मेजबानी इंग्लैंड करेगा। लंदन के लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड में फाइनल मुकाबला खेला जाएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। WTC 2023-25 के शेड्यूल से जुड़ी सारी जानकारी हमने आपको इस वीडियो में दे दी। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अपने टेस्ट क्रिकेट के फैंस को यह वीडियो शेयर जरूर से कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करना मत भूलिएगा। क्रिकेट से जुड़ी सारी खबरें आपको वहां पर भी सबसे पहले मिलती रहेगी। बाकी मिलते हैं अगली नई वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।